अंदर बीजेपी सरकार का यूपी और बिहार पूर्वांचली निवासियों का विरोध जो चेहरा है वो खुल के सामने आ रहा है। फरीदाबाद के अंदर हर कॉलोनी के अंदर इनके आवासों को तोड़ा जा रहा है, विशेषकर खोरी गांव में जहां पे 10 से 12 हजार की आबादी है, उन मकानों को बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। 1970 से वो लोग वहां पर बस रहे थे, पैसे लेकर उन्होंने वो जमीन खरीदी और उसके ऊपर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने मकान बनाए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, गरीब मजदूर है, परंतु बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से तत्कालीन कोई ऑर्डर ऐसा लेकर आई और इस कोरोना के युग के अंदर आज उनका बिजली पानी पूरा काट दिया है, पूरे 12 के 12 हजार लोगों का, और उसमें से लगभग 2-2.5 हजार लोगों के मकान अभी तक तोड़े जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि 20 साल से ऊपर कोई व्यक्ति झुग्गी के अंदर या अनऑथराइज उसमें रह रहा है तो उसको पहले आवास की व्यवस्था करेगी, फिर उसको माइग्रेट करेगी। केंद्र सरकार की व्यवस्था है कि जहां पे झुग्गी है वहां पे मकान देंगे, ऐसे नहीं हटाएंगे। और उन्होंने तो पैसे देके जमीन खरीदी, बिजली लगा वहां पे, पानी लगा, 50 साल के अंदर वहां से लोग पैदा हुए, सरकारी नौकरियों के अंदर लगे और आज उनको बता दिया गया कि आप अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे के अंदर आम आदमी पार्टी उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर की मांग करते हैं कि उनके मकान तोड़े जाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और कोरोना के इस युग के अंदर आप बिजली पानी काट के उनके मकानों को निष्प्रभूत करके इस तरीके का जुलम ना करें, इसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसके अंदर ज्यादातर बिहार के लोग हैं, बिहार और यूपी के लोग हैं। इस किस तरीके से इस कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूर मुश्किल से कहीं जो बिहार चले गए थे कुछ वापस आ पाए हैं और उनको दोबारा बिहार भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तीनों कृषि विरोधी काले कानून बीजेपी ने जोर जबरदस्ती से पास किए, लगातार आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध कर रही है। आज हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार धान की खरीद नहीं कर पा रही है, बाजरे की खरीद नहीं कर पा रही है, अन्य फसलों की खरीद नहीं कर पा रही है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जब ये देखा कि सारी सड़क के ऊपर जीरी डली हुई है, सरकारें और प्राइवेट व्यक्ति उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि आप जीरी का चावल निकाल लो और समय आने के बाद बेचना। एक किसान जो पूरे साल मेहनत करता है उसके इस उम्मीद पे कि मेरी फसल बिकेगी तो घर का भोजन की व्यवस्था चलेगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई का गुजारा चलेगा, बच्चों की शादियां होंगी। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ना सरकार खरीद पाने की स्थिति के अंदर है, ना बाजार खरीद पाने की स्थिति के अंदर है, आप इस फसल के धान के चावल निकाल के घर पे रख लो और समय आएगा तब बेचना। हम ये कहते हैं कि जो किसान विरोधी इनका चेहरा है, पीपली के अंदर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, सिरसा के अंदर मुकदमे दर्ज किए, आम आदमी पार्टी ने 11 तारीख को इसी 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव किया था। इन दोनों मुद्दों को लेकर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को लेकर और किसान विरोधी ये जो नीति है उसको लेकर हम आने वाली इस 24 तारीख को सैटरडे को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास का घेराव कर रहे हैं सुबह 11 बजे और पूरा पुरजोर करीब 10,000 लोग वहां पर होंगे और हमारा ये पूरी मांग होगी कि इन लोगों को उजाड़ने से पहले आप इसकी पुनर्वास की व्यवस्था करें और किसानों को एमएसपी मिले, जो एमएसपी से कम पे आप फसल खरीद रहे हैं वो खरीद बंद हो और जो बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं उनकी खरीद की शुरुआत हो। सारे हरियाणा के अंदर जीरी धान सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, सरकार तुरंत उसकी व्यवस्था करे। आज उस व्यवस्था के अंदर बहुत परेशानियों से व्यवस्था गुजर रही है। हरियाणा में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, जंगल राज आज की तारीख के अंदर बना हुआ है और प्रतिदिन यहाँ पे 4 बलात्कार की घटनाएं होती हैं,
तीन हत्याओं के मामले दर्ज होते हैं। 1919 के अंदर 166,336 अपराध के रिकॉर्ड वहां पे दर्ज हुए, जिसमें से 111,323 इंडियन पिनल कोड के मामले थे। तो किस कदर से वहां पे अपराध बढ़ रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हर रोज बलात्कार डकैती जैसे मामले सामने आ रहे हैं। कल झज्जर के अंदर बैंक को डकैती की गई, व्यापारियों को गोली मारी गई, और बहुत बड़े शर्म की बात है कि बुटाना के अंदर, बुटाना गांव के अंदर एक दो दलित नाबालिग बेटी के साथ परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले ने सामूहिक बलात्कार किया, लगातार बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। और जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो परिवार ने जबरदस्ती जब धरना प्रदर्शन किया तो उन पुलिस वालों के खिलाफ, तीन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखी, परंतु आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। परिवार वालों का यहां तक कहना है कि आज उस बच्ची की मेडिकली पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है। ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, किस प्रकार हरियाणा में ये जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगातार व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाली सैटरडे को सुबह 11 बजे 24 तारीख को दशहरे से एक दिन पहले हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का सेक्टर 8 फरीदाबाद के अंदर घेराव कर रहे हैं।